हे गाइस, दिस इज मनीषा यादव। वेलकम बैक टू पीडीएस कैड एक्सपर्ट। तो हम सीख रहे हैं सिविल 3D सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर हमने अभी तक काफी सारे टॉपिक्स को कवर किया है। एंड टुडे आई गोना टेल यू अबाउट कट एंड फिल पार्ट टू, जिसके अंदर हम सेकेंड मेथड सीखेंगे कट एंड फिल। किस तरीके से हम लोग यहाँ पे कोई भी हमारे पास में रफ सरफेस है एंड जो हमारा लेवल्ड सरफेस है, दोनों के बीच में किस तरीके से हम कटिंग अर्थवर्क एंड फिलिंग अर्थवर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इस चीज के बारे में हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। बेसिकली अगर मैं कट एंड फिल की बात करती हूँ, तो ये हमारी अर्थ की मूविंग होती है, मतलब मिट्टी हम एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे डालते हैं। कट एंड फिल इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग, जो हमारी जो प्रोसेस होती है वो अर्थ मूविंग की प्रोसेस होती है, जो कि रेलवेज में, रोड्स के अंदर, कैनाल्स के अंदर यहाँ पे की जाती है। वेयर बाई जो हमारा जितना भी मटेरियल यहाँ पे कट करना होता है, जो हमारा यहाँ पे कितना भी हमें फिल करना होता है, तो वो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। जो कि आप यहाँ पे जैसे हमें मैन्युअली कैलकुलेट करने में घंटों लगते हैं, वहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मूलाज को अप्लाई करना पड़ता है, यहाँ पे कोई ऐसा काम नहीं है कि फॉर्मूला यहाँ पे लगाना पड़ेगा जस्ट लाइक दिस। आपको डायरेक्ट यहाँ पे बस सर्फेसेस देने दो और यहाँ पे बड़ी आसानी से आपका कट एंड फिल, जो आपका अर्थवर्क है, वो आपका यहाँ पे निकल के आ जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपका यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है कि यहाँ पे कितना, जैसे यहाँ पे एक स्लोप एरिया जो आपको डायग्राम गिवन है, यहाँ पे आपकी मिट्टी एक्सकवेट हुई है, यहाँ पे आपकी फिल हुई है, तो कितना आपका यहाँ पे कट एंड फिल हुआ है। तो यहाँ पे मैन्युअली कैलकुलेट करना थोड़ा टिपिकल है एज कंपैरिजन टू हेयर इन सिविल 3D। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर किस तरीके से यहाँ पे हम लोग कट एंड फिल फाइंड आउट करेंगे। लेट्स गो टू सॉफ्टवेयर, सी दिस वन। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक तरीके से कट एंड फिल का जो एग्जाम्पल है वो लिया हुआ है। अगर मेरे पास में, जैसे यहाँ पे मेरे पास में एक तो ये सरफेस होगा, एक मेरे पास में एग्जिस्टिंग सरफेस होगा, एक मेरे पास में बिल्ड सरफेस होगा, जिसमें जिसको मैंने यहाँ पे एक तरीके से कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। लाइक वो मेरा कोई रोडवे है, वो मेरी कोई कैनाल है, या फिर मेरा यहाँ पे कोई भी हमारा एक तरीके से कोई भी अनदर फर्दर सरफेस है जो कि लेवल्ड ग्राउंड है। तो यहाँ पे अगर आपको कट एंड फिल फाइंड आउट करना है, तो आप यहाँ पे बड़ी आसानी से कर सकते हैं। एग्जाम्पल के ये मैं आपके साथ में यहाँ पे बना के दिखाती हूँ आपको। मैंने यहाँ पे पॉलीलाइन लिया हुआ है, पॉलीलाइन में यहाँ पे मैंने क्लिक किया दिस वन। क्लिक करने के बाद में मुझे यहाँ पे इसको बनाना पड़ेगा अलाइनमेंट। अलाइनमेंट के लिए मैंने क्रिएट अलाइनमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट किया, एंटर बटन दबाया। अगर आप इसकी डायरेक्शन रिवर्स करना चाहते हैं, यू जस्ट हैव टू रिवर्स इट एंड यू हैव टू गिव इट नेम। मैं यहाँ पे अलाइनमेंट टू इसको नाम देती हूँ। यहाँ पे अगर आपको लेवल ऑन करने हैं तो आप कर सकते हैं, अगर आपने यहाँ पे अभी नहीं किए तो बाद में भी आप अलाइनमेंट प्रॉपर्टीज में जाके कर सकते हैं। यहाँ पे जो रेडियस है, ये आपका ट्रांजिशन कर्व का रेडियस है, अगर आप इसका रेडियस कम ज्यादा करना चाहते हैं तो वो यहाँ से कर सकते हैं। देन यू हैव टू गो टू क्लिक इट हियर। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे एक तरीके से क्या करना है, अपनी प्रोफाइल बनानी है। प्रोफाइल बनाने के लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा क्रिएट फ्रॉम सरफेस। यू जस्ट हैव टू चूज योर अलाइनमेंट। क्योंकि मैंने अलाइनमेंट टू को यहाँ पे लिया है, तो यहाँ पे जो हमारा सरफेस है वो हमारा एग्जिस्टिंग ग्राउंड है, क्योंकि मुझे मेन जो मेरा ग्राउंड है उसको ऐड करना है। और देन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद में आप जो भी यहाँ पे प्रोफाइल व्यू के अंदर जो भी उसका नाम देना चाहो वो कर सकते हो। फर्दर अगर आपको इन डिटेल में इन सारे की सारी चीजों को जानना है कि मैम फर्दर टूल्स किस तरीके से, और भी बहुत सारे तरीके हैं यहाँ पे अलाइनमेंट्स क्रिएट करने के, तो अगर आपको इन डिटेल में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में जाके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि अगर आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से इन डिटेल के अंदर आपको अगर इसके बारे में सीखना है तो चलिए यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हमारा अलाइनमेंट तो बन गई है, प्रोफाइल भी बन गई है, अभी बारी आती है हमारे कॉरिडोर क्रिएट करने की। कॉरिडोर से पहले आपको असेंबली क्रिएट करनी पड़ती है, जो कि मैंने यहाँ पे क्रिएट असेंबली के थ्रू ऑलरेडी यहाँ पे की हुई है, जैसे कि मैं आपको दिखा भी देती हूँ। सी दिस वन इज द असेंबली। यहाँ पे हमारे लेंस है, यहाँ पे हमारे यहाँ पे शोल्डर्स है, देन यहाँ पे मैंने डे लाइट प्रोवाइड किया है, राइट। तो जब मैंने यहाँ पे असेंबली एक तरीके से क्रिएट कर ली है विद द हेल्प ऑफ टूल पैलेट्स, असेंबली क्रिएट करने के बाद में जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस आता है वो आता है क्रिएट कॉरिडोर। क्रिएट कॉरिडोर में आपको यहाँ पे इसका नेम बदलना है। देन यू हैव टू चूज योर अलाइनमेंट कि कौन से अलाइनमेंट के ऊपर आपको यहाँ पे कॉरिडोर बनाना है। यहाँ पे आपका सरफेस रहेगा जो प्रोफाइल सरफेस है, राइट। फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पे जो प्रोफाइल का नेम है वो यहाँ पे आपका आता है असेंबली की, कौन सी असेंबली के ऊपर बना रहे हो, क्या सरफेस है आपका, एग्जिस्टिंग सरफेस, एंड देन ओके। ओके करने के बाद में अप्लाई करें।
रिबिल्ट करें। रिबिल्ट करने के बाद ओके करें। ओके करते के साथ देखिए यहाँ पे आपका जो कॉरिडोर है वो बन गया है। कॉरिडोर आपका यहाँ पे तो बन गया है, बट मुझे तो दूसरा सरफेस चाहिए क्योंकि इसके ऊपर हमारी कंस्ट्रक्शन हुई है, इस वजह से मुझे इस कॉरिडोर को सरफेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे प्रोस्पेक्टर के अंदर जाना पड़ता है। प्रोस्पेक्टर में आपका आता है यहाँ पे कॉरिडोर्स, ये देखिए कॉरिडोर्स। कॉरिडोर में कॉरिडोर वन की जगह मैंने टू बनाया, तो मैंने टू के ऊपर क्लिक किया एंड देन प्रॉपर्टीज के ऊपर मैंने क्लिक किया। प्रॉपर्टीज पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपका आता है सरफेस, यहाँ पे आता है आपका क्रिएट ए कॉरिडोर सरफेस। क्लिक करते के साथ यहाँ पे एक सरफेस की जो एड टैगलाइन है वो एड हो जाएगी। मुझे कटिंग कहां तक और फिलिंग कहां तक लेनी है वो मेरे टॉप, इसके कॉरिडोर के टॉप तक लेनी, तो उस वजह से मैंने यहाँ पे इसको एड करवाया। एड करवाने के बाद अब मेरी बारी आती है इसका बेस चूज करने की। तो बाउंड्रीज के अंदर जाके कॉरिडोर टू में राइट क्लिक करके यहाँ पे एड ऑटोमेटिकली के अंदर यहाँ पे आता है डेलाइट, तो मैंने बेस जो है इसका डेलाइट एड कर दिया। देन आई जस्ट हैव टू अप्लाई एंड ओके, रिबिल्ड द कॉरिडोर एंड ओके। ये देखिए ये आपका जो सरफेस है वो बन गया है। बनने के बाद में अब आपकी बात आती है कि यहाँ पे कट एंड फिल कैसे निकाला जाए। तो आपको जाना है यहाँ पे एनालाइज टैब के अंदर। एनालाइज टैब में जाने के बाद में यहाँ पे आता है वॉल्यूम डैशबोर्ड। वॉल्यूम डैशबोर्ड में ऑलरेडी किसी का कट एंड फिल निकला हुआ है, तो मुझे यहाँ पे ये नहीं चाहिए, मुझे अलग से अपना निकालना है। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं नाम दे देती हूँ कट एंड फिल टू करके, और यहाँ पे आपको आपका बेस सरफेस जो है वो चूज करना है, एग्जिस्टिंग सरफेस। यहाँ पे आपको जो कंपेयर कर रहे हो, जो सरफेस के कॉरिडोर टू से कंपेयर कर रहे हो उसको, अगर यहाँ पे आप जो ये सरफेस जनरेट कर रहे हो उसका जो अगर कंटूर वगैरह का जो इंटरवल है वो आपको कम ज्यादा करना है तो वो यहाँ से कर सकते हो, दोनों में, रेंडर में भी और इसमें भी, स्टाइल में भी। नाम वगैरह आप यहाँ से बदलते हो, ठीक है। कट फैक्टर एंड फिल फैक्टर यहाँ से चेंज करेंगे। मैं यहाँ पे एक ही रख के एग्जाम्पल ले रही हूँ, तो ये देखिए ये मेरा यहाँ पे कट एंड फिल जो है वो निकल के आया है इस तरीके से, राइट। तो इसके अंदर जो हमारा ओवरऑल, जैसे इसमें तो ये टोटल दिखा रहा है कि टोटल कट एंड टोटल फिल दोनों का ऐड करके, राइट। मुझे टोटल दोनों का नहीं देखना, मुझे यहाँ पे क्या करना, मुझे एक एक का देखना है। तो देखो ये रहा, ये आपका रहा कंटूर टू, जो आपका जो सेकंड नंबर का आपने सरफेस बनाया उसका, यहां से लेके देखो कट एंड फिल टू। इसको अगर मैं बंद कर देती हूँ, ये देखो यहाँ पे निकला टोटल कट 2054.8 क्यूमिक्स, टोटल फिल 75.45 क्यूमिक्स, नेट जो आपका कट हुआ है, यहाँ पे ज्यादा कटिंग हुई है, राइट। तो वो चीज आप यहां से भी देख सकते हो, दिस वन। अगर आपको इसको प्रिंट में निकालना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद में ये देखिए आपका कट एंड फिल फैक्टर निकाल आया। अगर आपको दोनों कॉरिडोर का निकालना था तो आप यहाँ पे इस पर टिक कर सकते थे, लाइक दिस वन, एंड देन यू हैव टू दिस वन। ये देखिए दोनों का निकल आया यहाँ पे, ओवरऑल भी एंड अलग अलग भी, राइट। तो इस तरीके से आप अपने रिजल्ट जो है वो निकाल सकते हैं कट एंड फिल का विद द हेल्प ऑफ दीज इजी टूल्स। यहाँ पे काफी लंबी कैलकुलेशंस की आपको जरूरत नहीं होती। दिस इज ऑल ओवर अबाउट कट एंड फिल पार्ट टू। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आपको फर्दर इन डिटेल ट्रेनिंग में इंटरेस्ट है, आप लेना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके कॉन्टेक्ट नंबर के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।